हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो Y53S में और रियलमी नार्जो 30 में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से तो वीवो की है डिस्प्ले 6.58 इंच की, रियलमी की डिस्प्ले 6.5 इंच की और दोनों फ़ोनों का रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और दोनों ही फ़ोनों में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है और रियलमी में आपको 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, वीवो में ही 60 हर्ट्ज़ का और डिस्प्ले क्वालिटी में रियलमी बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की तो वीवो का है मेटे का G80 का और CPU 2.0 GHz ऑक्टेकोर का और 12 nm का FinFET और GPU G52 का और Realme का जो प्रोसेसर है वो है मेटे का G95 का, CPU 2.05 GHz ऑक्टेकोर का, 12 nm का FinFET और GPU G76 का। प्रोसेसिंग क्वालिटी में Realme बेस्ट है। बात की जाए बैक कैमरे की दोनों का है ट्रिपल, वीवो का जो मेन कैमरा सिटी फॉर्मेशन का फिट टू का और Realme का जो मेन है 48 का फिट टू का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की तो दोनों का सेम ही 16 MP का मिल जाता है और दोनों फ़ोन में बैटरी भी सेम ही 5000 mAh की मिल जाती है और दोनों फ़ोन की बैटरी स्मॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और बात की जाए चार्जर की तो वीवो में ही 18 वाट का, रियलमी में है 30 वाट का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में आपको ट्रिपल सिम मिलते हैं, दोनों की है वारंटी 1 साल की, कनेक्टिविटी है 3G और 4G की, दोनों फ्रंट में ग्लास है, बैक में है प्लास्टिक और वीवो में रैम है 8 GB की और आप 3 GB तक इसको एक्स्ट्रा भी कर सकते हो और रियलमी में है 4G और 6 GB की और वीवो की मेमोरी 128 GB की और रियलमी में है 64 GB और 128 GB की और आपको दोनों ही फ़ोनों में एंड्रॉयड 11 मिलता है अपने अपने UI के साथ। और बात की जाए प्राइस की तो वीवो का है स्टार्टिंग 19,500 रुपये और रियलमी का है स्टार्टिंग 12,499 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई फ़ोन लेना है तो आप रियलमी के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है वीवो से, बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई फ़ोन ले सकते हो।